प्यारा है। दिस इज नाइस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आपका हमेशा खुश रखे। और जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, यहाँ हम जो मैनचेस्टर में खाड़ी है, तो मैं यहाँ गई थी तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा मैं आपको दिखा सकूँ। वैसे भी यहाँ पर बहुत छोटा सा ही खाड़ी बना हुआ है, वैसे हर हर जगह पर बना हुआ है, लंदन में बना हुआ है, मैनचेस्टर में बना, बर्फर्ड में बना हुआ, बहुत जगह पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ मैं मैनचेस्टर में गई तो यहाँ पे मैंने देखा कि ना यहाँ पे खाड़ी वगैरह था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शूट कर सकूँ। तो लेट्स सी, आके मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। और यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो वैरायटी थी वो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर भी है। और कुछ दूर दूर या 3 ड्रेस ऐसे थे कि मैंने देखे कि ना एमन मिनाल ने भी पहने हुए थे। तो चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज़, ये है मंदिर, आ गए थे। सबसे पहले मैंने अपना फ़ोटो शूट किया, तो मैंने कहा चलो लेट्स सी, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ ड्रेसेस यहाँ पे बहुत अच्छे थे और कुछ नहीं। सो गाइज़, ये देखिए 25 पाउंड की सिर्फ और सिर्फ शर्ट थी, जो कि जिसके ऊपर सिर्फ एम्ब्रॉयडरी सिर्फ आपके स्लीव्स पे और सिर्फ जो है ना आपके गले पर थी। और सेकंड ये जो था ना ट्राउज़र सिर्फ 15 पाउंड का था, और इसके सिर्फ पौचों पर ही सिर्फ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये आप समझ लें कि ना आपका 25 और 15 तो बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर, तो इससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान से ही लें। तो इससे फिर मैंने सोचा कि ना मैं यहाँ पर भी जो जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है फिर वो यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन जो है ना मैं तो जब भी जाती हूँ पाकिस्तान मैं ज़रूर वहाँ से लेकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को ज़रूरत होती है जो पाकिस्तान नहीं जाते। और एक और आपको सूट दिखाती हूँ, ये भी बहुत प्यारा है। सो ये देखें, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, फ्रोजी कलर था और इतना प्यारा लग, दिखने में तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा था, कैमरे में तो बहुत ही जो कैमरे पे लुक नज़र नहीं आती, पर ओरिजिनल में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन शर्ट इसकी 62 पाउंड की थी, या आप ये समझ लें कि ये तो बहुत ही, और सेल में ये लोग सेल में ये चीज़ें सही रहती हैं यहाँ पर भी। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे सेल लगी हुई थी, ये देखें ये भी 20 पाउंड का सिर्फ ट्राउज़र है, इसका दुपट्टा भी है। तो कहते हैं कि ना कुछ चीज़ें जो है ना आपको वक्त पे ही ले लेनी चाहिए जब सेल लगती है, तो सेल ही बेस्ट होता है आपके लिए, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है कि बंदा अफोर्ड तक नहीं कर सकता, तो यहाँ तो फिर बाहर तो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, ये ब्लैक भी बहुत प्यारा लग रहा था। और इस तरह का एक और ड्रेस था ब्लू कलर का, मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। वो जो था ना उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, वो सिर्फ लॉन्ग का सूट था। और ये देखें, ये 1 प्रिंट था, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था। इस तरह का ड्रेस मैंने पाकिस्तान में लिया था बकरीद पर, मतलब बड़ी ईद पर मैंने लिया था। 8000 का वो सूट था, 2 पीस था, और उसका दुपट्टा भी अलग से लेती तो 3500 का था वो दुपट्टा। तो पर मैंने टू पीस मैंने लिया था, लेकिन बहुत प्यारा था ओवर लुक। मैंने सोचा कि ना मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ कि यहाँ पर बस छोटा सा यहाँ पे आउटलेट सा बना हुआ है, इतने ज़्यादा मतलब कपड़े नहीं है जितने पाकिस्तान में ला तादाद। और यहाँ पर वेस्टर्न भी थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वेस्टर्न भी पहनते हैं लोग। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, ज़्यादातर खद्दर के भी थे, क्योंकि सर्दी है यहाँ पे, ऑब्वियसली सर्दी ही रहती है, तो खद्दर के यहाँ पे ज़्यादा थे। तो ये देखें, ये बैग्स भी थे और ज्वेलरी भी थी, ज्वेलरी इनकी आगे सेक्शन पे थी तो मैं वहाँ पर नहीं गई, तो बस ये थोड़ा बहुत मैं लुक आपको दिखा सकी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको इस ड्रेस में से कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा था। और यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई, आप लोग ज़रूर बाय करें, ज़रूर जाएँ। और यहाँ तो अभी कोई पता नहीं है यहाँ पर वैरायटी कब आएगी, मुझे लगता है यहाँ पर बकरीद पे ही आएगी वैरायटी जो ईद की होगी। तो ये देखें, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, ये तो मुझे ये अभी के ही सूट लग रहे थे विंटर्स के 6 मंथ पहले के। तो ये इसका दुपट्टा था और ये इसकी शर्ट है, और ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर है ना घुंघरू से लगे हुए थे।
और साथ ही साथ ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, सो ब्यूटीफुल, इतना प्यारा लग रहा था। तो इसके साइडों पर जो था ना बटन्स लगे हुए थे वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इस तरह के वन कलर जो होते हैं ना बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें साइड पर इसके बटन भी लगे हुए हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन इसकी शर्ट जो होगी ना, इसके जो पॉइंट वो होंगे वो बहुत छोटे से थे, तो इसलिए आपको ट्राउज़र जो होता है ना वो लॉन्ग पहनना पड़ता है। तो ये फुल स्लीव्स के साथ था, वो हाफ स्लीव्स के साथ था, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। या ये देखें ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन कुछ कलर ऐसे लोग पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। ये ब्लैक कलर भी बहुत बैग बहुत प्यारा लग रहा था। ये कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, डिसेंट लग रहा था। कमीज और शलवार थी आई थिंक इसकी, ये ट्राउज़र था लेकिन ये खद्दर पे था। तो ये इन्होंने वाइट कलर का जो ड्रेसेस थे ये साथ एक साथ लगाए हुए थे इन्होंने। और ये जो था ना 66 पाउंड की सिर्फ शर्ट थी, सो एक्सपेंसिव। और इसके जो ना साइड पे पॉकेट भी थी, ये देखें साइड पे पॉकेट भी है इसके। और अलग बहुत अच्छे थे, कुछ कपड़े मुझे अच्छे लगे, कुछ मतलब महंगे भी थे। तो आगे ये पर्पल वाला भी इतना प्यारा लग रहा था। तो आप लोग ज़रूर बाय करें, पाकिस्तान में तो नई वैरायटी आई हुई है, आप लोग ज़रूर लें। आप लोग इनमें से मुझे बताइएगा कि आपको ये इन सब में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। काश मेरे घर के पास जो है ना, पता है क्या होता, काश मेरे घर के पास जो है ना ये होता। शाइन कैसे कर रहे, दिस इज नाइस रेड कलर का, रेड के सितारे, आई थिंक सितारे हैं। 60 पाउंड अच्छा लगा। इसकी शॉर्ट छोटी शर्ट भी आई है लेकिन वहाँ नहीं आया, वो इतना प्यारा लग रहा है ये। एक मिनट आपको दिखाती हूँ गाइस, ये देखें लड़ियाँ लगी हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। नाइस, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, दिस इज नाइस। समर कलेक्शन है गाइस, दिस इज सो प्रीटी। ये कितनी प्यारी लग रही है, 30 पाउंड की है। दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। ये ब्लैक वाला बहुत अच्छा लग रहा है, आपको दिखाती हूँ मैं, ये अच्छा लग रहा है। समर कलेक्शन, अब अगर आप हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं तो आप वो तो मैंने बनाई है, येलो है, ब्लैक, दिस इज नाइस।
ये देखो गाइस, आपको दिखाती हूँ। या दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। स्टोन वर्क है, वर्क तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। दिस इज नाइस, या दिस इज नाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। या आई थिंक इसके ऊपर भी होगा। या देखा, दिस इज नाइस, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। नीचे नहीं है बट फैब्रिक बहुत प्यारा है और इसका ये बहुत प्यारा है। दिस इज नाइस गाइस, मैं आपको ना बैग्स दिखाती हूँ। यहाँ पे बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ के बैग्स ना, मुझे ऑलमोस्ट यहाँ के बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एक दो आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत सिंपल से हैं लेकिन बहुत प्यारे। दस पैक मुझे बहुत अच्छा लगता है। दस पैक देखिए, प्राइस देखें आप। ये देखिए, ये बैग देखते हैं, ये बैग बहुत अच्छे हैं मुझे ऑलमोस्ट। और मैं आपके इनके हील्स भी दिखाती हूँ, हील्स कलेक्शन इनके। ये कितना प्यारा लग रहा है गाइस, दिखाती हूँ। ट्रक, सो क्यूट, सो सो फ्यूल एलेंट, दिस इज सो क्यूट नाइस। दिस इज कॉफी सेक्शन बनाया है इन्होंने, दिस इज क्यूट। पता नहीं इनकी, देखिए गाइस, ये देखिए ये बैग देखिए कितना प्यारा है। दिस इज क्यूट एंड दिस ब्लैक एंड दिस ऑरेंज, दिस इज नाइस। या इनके शूज कलेक्शन, दिस इज नाइस, ये अच्छा लग रहा है ना। देख रहे हैं ऐसे, ये वाला है ना, अच्छा लग रहा है ना। शरारा कितना लंबा है, मतलब मैक्सी कितनी लंबी है। हाँ पहले तक, दिस इज नाइस। चलो चले बोलते कैसे वो इसमें, चलो चले। दिस इज नाइस, ये मुझे बहुत प्यारा है। ये मैंने पहन के देखा था, ये वाला और वो वाला, ये वाला ये पहना था मैंने, अच्छा लग रहा। नहीं मुझे वो वाला अच्छा लग रहा था, वो वाला पहना था ना, बताओ गाइस वो अच्छा है या ये अच्छा है पता नहीं, बट आई लाइक दिस वन बिकॉज आई वेयर। चलो देखते हैं, देखो छोटी भी बनाई है। ये इन्होंने पेंटिंग की हुई ऊपर, पेंट लग रहा है मुझे, कैसे किया होगा इतना प्यारा। सो गाइस, ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आएगा। और जो मेरे चैनल्स पे न्यू है, जो मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे काइंडली आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा।